नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस कवर करेंगे, जहां पर जाने से हर किसी की रूहें कांप जाती है। जो है बहुत खतरनाक, वीडियो को पूरी देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। हमारे भारत देश में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस है, लेकिन इस वीडियो में हम 10 हॉन्टेड प्लेसेस को ही कवर करेंगे। राजस्थान के अलवर शहर में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों की रूहें कांप जाती है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं मिलती। कहा जाता है कि यहाँ के एक जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्यार हो गया था। उसने उस राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू की मदद ली, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वो जादूगर किले को श्राप दे गया। इसके बाद यह किला खंडर बन गया। कुलधरा गाँव भारत के सबसे भूतिया गांवों में से एक है, जिसे 1800 के दशक से छोड़ दिया गया था। अब यह गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है। कुलधरा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। यह जगह व्यापार, कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती थी, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधरा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। कुतुब मीनार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाली जमाली कमाली मस्जिद अपनी भूतिया कहानी की वजह से काफी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमाली की दीवारों के अंदर जिन रहते हैं। यहां पर होने वाली अजीब घटनाओं की वजह से लोग यहां जाने से बहुत डरते हैं। बताया जाता है कि यह जिन छोड़ी हुई जगह और खंडरों में रहते हैं। जब वे उन जगहों पर इंसानों के जाने से परेशान होते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। 2500 की आबादी वाला यह गांव जतिंगा पक्षी आत्महत्याओं अनएक्सप्लेन घटनाओं के लिए जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के समय अंधेरी रातों में यहाँ पक्षियों का आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं। पक्षियों की मौत के पीछे लोग भूतों और कई सुपरनेचुरल फोर्सेस को बताते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से बताया जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। तेज हवाओं की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो टकरा कर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, जिसमें कई बड़े होटल भी हैं, लेकिन एक फिल्म सिटी के अलावा यह जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से भी चर्चित है। इन अजीब घटनाओं को ज़्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती है। लोगों ने बताया कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय में कई बार लाइट मैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। मुकेश मिल की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से काफ़ी मिलती जुलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1918 में अचानक आग लग जाने की वजह से यह मिल बंद हो गई। इस जगह पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और एक्ट्रेस यहाँ पर होने वाली कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से शूटिंग करने से मना करते हैं। शनिवार वाड़ा किला पुणे में स्थित है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। मेरठ में जीपी ब्लॉक भी बहुत ही कुख्यात है। यहाँ से कई गुजरने वाला दावा करते हैं कि उन्होंने चार पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में मादक पेय का आनंद लेते हुए देखा है। इसके अलावा लोग यहाँ घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलते हुए देखने का दावा करते हैं।
इन घटनाओं की वजह से लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया है। हमस बीच गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए चर्चा में रहती है। इस जगह पर कई अनजाने और अजीबो गरीब किस्से होने का पता चला है। यहाँ पर लोगों को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई है। वृंदावन सोसाइटी के ठाणे के सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में से एक माना जाता है। इन सोसाइटी को कई लोगों ने भूतिया भी बताया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ रात के समय में आने वाले लोगों ने कुछ अजीब घटनाओं का एहसास किया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक इंसान ने सोसाइटी में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने इंस्टा और यूट्यूब पर पोल ऐड किया था, जिसमें हमने दो टॉपिक रखे थे, एक तो इंडिया टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस और हॉन्टेड विलेजेस के, तो दोनों में 50-50 आया था, लेकिन टॉप 10 वाले में ज़्यादा परसेंट थी, तो इस वजह से हमें ये फर्स्ट पे वीडियो शूट करनी पड़ी। दूसरे हम इंडिया विलेज की अभी स्क्रिप्ट चालू है, वो स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है, हम सेकेंड में इंडिया जो विलेज हॉन्टेड है उनको हम कवर करेंगे बहुत जल्दी। इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट करके कि आप भी कौन कौन सी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।